Don't डोंट फिर टू लाइक शेयर कामेंट एंड सब्सक्राइब टू सैथरे असल वरहुल्ल वक़ आज जिस सवाल को हम लेंगे एक बहुत ही ज़रूरी बहुत ही अहम सवाल है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता भी है लेकिन वो डर के पूछते नहीं हैं तो किसी ने हिम्मत करके इसे पूछा है आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं पहले सवाल बताता हूँ सवाल यह है कि आप अपने चैनल पर दुनिया का जिक्र करते हैं दुनिया की तकलीफ़ों का आजमाइशों का जिक्र करते हैं इम्तहान का जिक्र करते हैं फिर आप बताते हैं कि मौत की सख्ती भी है फिर आलम बरज़ख़ भी है उसमें भी सख्ती है फिर कयामत है उसमें भी सख्ती है फिर आदाब है तो क्या अल्लाह ने हमें यूँ ही बना दिया बस कि कुछ मखलूक़ बना देते हैं जिनको फिर इम्तहान में मुबला किया जाए फिर आदाब दिया जाए फिर आखिर हमें बनाया क्यों है ये सवाल है एक सोचने वाले जहन का और इसको हम इन श्ल्ल लॉजिकली डील करेंगे देखें पहले तो आप ये समझें कि इंसान की तख्ली का मकसद क्या है अल्लाह ताली ने कुर करीम में क्या फ़रमाया है कि हमने जिनों को और इंसानों को क्यों पैदा किया व्यों पैदा किया ताकि अल्लाह ताली की इबादत करें मकसद तखलीक इबादत है अच्छा इंसान पर बात कर लेते हैं जिन्नात वाली बात तो समझ में आ गई आपको इंसान क्या है इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी है इसलिए देखें ना जैसे आप अलविदाया व नहाया उठा के देखें उसमें हाफिज़ इब्ने कसीर कहते हैं कि जिन्नात से पहले दुनिया में हनून और बनून रहा करते थे हनून के बाद बनून को खिलाफत दी और बनून के बाद जिन्नात को खिलाफत दी और जब जन्नात को खिलाफत दी तो उन्होंने फिर बनून को मार मार के यहाँ से जो है ना भगा दिया और एक एक सही मानों में खिलाफत के हकदार बने फिर जन्नात में बिगाड़ पैदा हो गया उसको फिर जन्त को मलाइका ने मार मार के भगा दिया और उसके पता नहीं कितने हज़ारों सालों के बाद इंसान को खिलाफत दी अब हम नहीं जानते कि जन्नत और इंसान के दरमियान में भी किसी को खिलाफत दी गई हो जमीन की कि नहीं हो सकता है हो सकता है नियंड्रेडसल्स वही लोग हों जिन्हें इंसानों और जन््त के दरमिया वकफ़े में दुनिया की खिलाफत दी गई हो अल्लाह बेहतर जानता है फिर होमोसीपियस का ज़माना आया तो अब इंसान जब मोरज़ वजूद में आया तो इंसान जो है वो कई चीज़ों का मरक्ब है इंसान की रूह अल्लाह ताला ने पता नहीं कब बना दी थी हमें इल्म नहीं है इसका इतना पता है कि अल्लाह ताला, ताला ने कायन में सबसे पहली मखलूक़ जो बनाई वो वह हज़ूर सल्ला वसम का नूर है नूर महमदी उसके बाद उस नूर महमदी से डिफरेंट और चीज़ें वो रज़ वजूद में आई इसलिए हुजूर को रमतल आलमीन कहा कि हर शय में आपके नूर की झलक है तो इसलिए आप सब के लिए रहमत है उस पर हम तफस से बात कर चुके हैं अच्छा अब बात करते हैं कि इंसान को जब तख्लीक किया तो इंसान को बशर बनाया किस तरह बनाया कि एक जिसम बनाया उस जिसम में रू को फूका और अल्लाह ने अपनी कुदरत से रूह को जो एक अदर एक एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी थी उस एंटिटी को जिसम जो एक बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट था इन दोनों के मिलाप करके और उसके अंदर नफ्स का मादा रख के ख्वाहिशात का मादा रख के इंसान को बनाया तो इंसान में आपको रूह भी मिल जाएगी आपको जिसम भी मिल जाएगा और नफ़्स भी मिल जाएगा तो इसका मुरकब क्या हो गया इंसान और इंसान रूह और जिस्म से पहले भी एक दौर में था जिसको अल्लाह ताला सूरत दहर में फरमाता है कि हल इंसानी इंसान मिन दहर लम यकुन शय मतकूरा एक ऐसा भी दौर इंसान पर गुजरा है जब कोई काबिल जिक्र शन था अल्लाह बेहतर जानता है कि उस वक्त इंसान था पर क्या था हम नहीं जानते अल्लाह ने वो इल्म हमें नहीं दिया अच्छा अब आ जाते हैं इस चीज़ पर कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तखलीक फ़रमाया तो शुरू में इंसान को आदम सलाम को कहाँ रखा जन्नत में हवा हवाम को कहाँ रखा जन्नत में लेकिन जब तख्ली फरमाया तो कहाँ के लिए तख्लीक़ फरमाया दुनिया के लिए इसलिए फरिश्तों से क्या कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहा हूँ जिसे दुनिया की खिलाफत दूँगा जिसे दुनिया में भेजूँगा तो मकसद दुनिया में भेजना था दुनिया में भेजने का मकसद क्या था हमने क्यों तख्लीक़ किया इंसानों को और जिन्हों को अला लिया आबुदून इबादत के लिए तख्लीक़ किया तो अब मकसद क्या था दुनिया की खिलाफत देना लेकिन दुनिया में पर्मांटली रखना नहीं इसलिए आगाज़ किया उस जगह से जो हमारा पर्मांट मस्कन है क्या है जन्नत ताकि जन्नत को इंसान देख ले उसमें रह ले उसको महसूस कर ले और फिर लेकिन जिस जन्नत में आदम को रखा उसमें वो उस नहीं थे जो उस होंगे खलूत के क़्यामत के बाद वाली जन्नत में उस जन्नत से निकाला जा सकता था अगर तो उन उन उनूलों में से किसी एक उसूल को तोड़ा जाता जो जन्नत में रहने के लिए हैं तो आदम को चूँकि भेजना था दुनिया में इसलिए जो मामलात हुए उसके तहत आदम साम दुनिया में आ गए अब दुनिया में आ गए तो जन्नत में तो मियाँ बीवी रह रहे हैं मिल भी रहे हैं पर अफजाइश नस्ल नहीं हो रही दुनिया में आए तो अब अफजाइश नस्ल हो रही है अब अफजाइश नस्ल जब हो रही है तो अब आगे जो औलाद फैल रही है उसमें भी वो तमाम अनासर मौजूद हैं कि वो इंसान है उसमें नफ्स है उसमें रूह है उसमें जिसम है अब नफ्स क्या करता है जिसम को उभारता है गुनाहों की तरफ ख्वाहिशात की तरफ रूह क्या करती है वो इंसान को पुल करती है रूहानियत की तरफ अपने रब की तरफ क्योंकि रू आई मलाई आला से है नफ्स नासूती है दुनिया की शह है नफ्स जो है एक बिगड़ा हुआ एक जंगली कस्म का कुत्ता है समझ लें इसलिए बाद सूफिया ने नफ्स को कुत्ते से भी ताबीर किया क्योंकि कुत्ता ट्रेनेबल होता है ट्रेन कर सकते हैं आप उसको तो अब नफ्स की ट्रेनिंग नहीं हुई भी अब मालिक जो कि इंसान है वह अपने आप को अगर इस जंगली कुत्ते के हवाले कर दे तो वह कुत्ता तो सरकश दौड़ता है अब वो कुत्ता लिए जा रहा है इंसान को और वो तो जंगली जाहिल है उसको क्या पता उसको जो अच्छी चीज़ लगती है उसकी तरफ़ चल पड़ता है तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाले इंसान के लिए खसारा कहा कि ये वो लोग हैं जो खसारे वाले हैं और ज़्यादातर खसारे वाले वही लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो अल्लाह की बताई हुई तालीमत को छोड़ कर अपने नफ़्स की पैरवी में लग जाते हैं हालाँकि तख्लीक क्यों किया गया था इबादत के लिए जब इबादत छोड़ कर नफ़्स की इबादत करना शुरू कर दोगे नफ्स की इबादत ही होगी ना कि अल्लाह कह रहे हैं ये काम नहीं करो क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं हम उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ले आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ले आते हैं ह्यूमन राइट्स भी ले आते हैं सब ले आते हैं क्योंकि हमने अपना नफ्स बनाया है ना उस नफ्स के तहत उन को बताया बनाया है ओलों को अल्लाह सुबहाना व और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक नहीं ढाला अपने ओल ख़ुद बताए बनाए चाहे वो अल्लाह और उसके रसूल के उसूलों से टकराते हों और उसके बाद उनकी इतबा में लग गए उनकी पैरवी में लग गए तो मकसद क्या था इबादत करना इबादत इताज से आती है इताज इबादत में दाखिल है इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ ली हज कर लिया और ज़क़़़़़त दे दी रोज़े रख लिए और फिर बाकी मामला जो है वो अपनी मर्ज़ी से करते रहे तो हमने दीन को मज़हब बना दिया एक रसूम तक महदूद कर दिया दीन जो है दीन इस्लाम मुकम्मल जबतः हयात है कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है तो जब हमने उस कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ को तो एक तरफ़ रख दिया है उसको रसूमात का नाम दे दिया और फिर अपनी मनमानी करते हैं फिर कहते हैं कि ये आजमाइशें क्यों आ रही हैं और फिर ख़बर के अजाब की क्यों बात हो रही है और बरज़ के आज़ाब की क्यों बात हो रही है और क़्यामत में सख्तीय की क्यों बात हो रही है और जहनुम की बात क्यों हो रही है क्योंकि हम अपने टारगेट से हट गए अपने नसबुल से हट गए अगर हम अपने टारगेट पर रहते तो फिर ये जो नफ्स है ये अम्बारा ना रहता सरकश घोड़े की तरह सब जंगली जाहिल कुत्ते की तरह ना दौड़ता इसे फिर हम काबू करके ट्रेन करते इस नफ्स को रूहानियत देते इस नफ़्स को इस नफ़्स की हम इस करते 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 इसे हम अम्बारा से लवामा तक लाते फिर उसके बाद मतम तक लाते और मुतमनत पे अल्लाह के हुक्म से ही होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है सारा काम बंदा लेकिन कोशिश तो करे ना क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में कि अली इंसानी लाम इंसान को कोशिश करनी है कोशिश करने का काम तुम्हारा तो है तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी है कोशिश करना जो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं फिर वो खसारे में पड़ जाते हैं दे डूब तो अब मारा से मतमना का सफ़र की कोशिश करते रहना है ता दमे आखिर आखिरी सांस तक और अब मारा पे इसकामत की कोशिश भी करते रहना है शैतान हमले करेगा नफ्स पर क्योंकि उसका काम है वो तिलबी से उब्लीस तो चलेगी ना उससे तो जाल फैला के रखे हैं वो उन जालों में फांसने की कोशिश करेगा उसने यही वादा किया था अपने रब से कि मैं आगे से आऊँगा पीछे से आऊँगा दाएं से आऊँगा बाएं से आऊँगा इनको खसारे में डाल के जहनुम में ले जाऊँगा लेकिन अल्लाह की रहमत देखें कि उसको ऊपर और नीचे की जहत नहीं सोची कि ऊपर से आऊँगा या नीचे से आऊँगा ये नहीं बोला उसने कुरान में सिर्फ चारों जहतों का जिक्र किया क्योंकि अगर किसी को ऊपर से कोई आफत आए ना तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है और नीचे से कोई आफत आए तो बचना मुश्किल हो जाता है दाएँ बाएँ से आएगी आगे पीछे से आएगी तो आपके पास और ऑप्शन होते हैं टू मूव अराउंड तो अल्लाह ताला ने इसलिए रहमत को ऊपर से नाजिल करता है लेकिन जब लोग अल्लाह ताला की सरकशी करते हैं और उसके और उसके बताए हुए असूलों को तोड़ते हैं गुनाह करते हैं तो फिर अजाब भी ऊपर से आते हैं और नीचे से भी आते हैं फिर इंसान को बचने की कोई राह नज़र नहीं आती तो अजाब वो उन्हीं पर भेजता है उन्हीं पर भेजता है जो सरकश होते हैं जो गुनाकार होते हैं जो सियाहकार होते हैं लेकिन वो फ़ौरन नहीं पकड़ता अगर वो फ़ौर पकड़ने लग जाए तो रुए ज़मीन से तो किसी मतलब कोई इंसान बचे ही ना ना जितने गुना हम करते हैं अगर हर हर बात पर पकड़ने लग जाए वो तो मोहल्लत देता है कि अब माफ़ कर अभी अभी माफ़ी मांग लेगा अभी माफ़ी मांग लेगा अभी तो बसफार कर लेगा लेकिन इंसान नहीं करता इंसान अपने जहल में पड़ा रहता है तो उसने हमें क्यों बनाया इबादत के लिए बनाया आप इबादत के नजबुलैन से इधर उधर जाओगे तो फिर उसके बाद पकड़ोगी फिर वो पकड़ ये होगी अच्छा बाज बाज़ा दुनिया में पकड़ हो जाती है वो एक झटका लगता है वो उतना शिविर झटका नहीं होता जिस तरह के हमने काम किए हुए होते हैं एक झटका लगता है कि बाज आ जाओ अच्छा कभी कभी इम्तहान भी आते हैं वो इम्तहान क्यों आते हैं वो इम्तहाना इसलिए आते हैं ताकि हम और पक्के सच्चे मोमिन बन जाएँ और उन इम्तहानत के आने की वजह से हमारे गुना भी झड़ते हैं आपको पता है मोमिन को अगर तकलीफ हो ना तो वो तकलीफ़ को अगर वो बर्दाश्त करता है सब्र करता है अपने रब से रुजू करता है तो दौरान तकलीफ़ उसके अमाल में इजाफा भी होता रहता है दर्जात भी बुलंद होते रहते हैं गुना भी झड़ते रहते बुखार भी गुना झड़ा देता है मोमिन का लेकिन ईमान शर्त है ना क्योंकि अल्लाह ने क्या फ़माया किदीन आमन व आमिर लिहाज ईमान लाएंगे और फिर नकमल करेंगे तो नकमल के लिए ईमान शर्त है जो ईमान नहीं लाया वह अबून से बाहर हो गया इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि भाई देखो ईमान लाओगे और नेक काम करोगे तो फिर होगा क्या तुम्हें तकवा पैदा होगा अगर नीयत ठीक होगी क्योंकि नमल नमला आमालूबिन दार नियत अमलों का दारो मदार नीयतों पर नीयत ठीक होगी ईमान लाओगे अमल साले करोगे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं होगी और ईमान लाओगे तो मुनाफिक हो गए ईमान लाओगे और उसके बाद काम मुनाफिकों वाले करोगे तो फिर तुम अमली मुनाफ हो गए और ईमान ही में खोट हुआ तो एहतियाी मुनाफिक हो गए और एहती मुनाफिक तो काफिर और मशरक से भी नीचे होगा जाननों में देखे ना ये चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ना तो नेक अमल करोगे नीयत ठीक होगी ईमान लाया नीयत ठीक थी नेक अमल किया नीयत ठीक है तो अब नीयत ठीक है तो फिर अजर है सवाब है तुम तो नजमुल से इधर उधर नहीं हुए और अगर कभी गुना हो गया तो तबा कर ली अब तो तुम टारगेट पर चले जा रहे हो सीधे सीधे चल रहे हो तो फिर इन लोगों के लिए मौत में आसानी है मौत में आसानी है बरजख में आसानी है क़यामत में आसानी है अल्लाह कहते लाखों फुलाड़े ही मलाम यानून जन्नत में दर्जात की बुलंदी है आसानी है तो आसानी पाने के लिए यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी अब यह नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी कुछ नहीं करूँ और वहाँ पर भी सब मिल जाइए तो फिर वो अबू एंड कंपनी वाली थॉट प्रोसेस हो गई उनका यही था वो मजाक उड़ाते थे साहबा का वो कहते थे कि देखो हम यहाँ पर भी बड़े मज़े में हैं अरब है मुजावरीन काबा हैं अल्लाह ने देखो कितना असर और सुख हमारे हाथ में दिया हुआ है तुम्हारा क्या ख्याल है अल्लाह हमें जहनुमुम में डाल देगा क्या जहनुमियों के हाथ में अल्लाह ने अपना काबा दे दिया है और हम वहाँ जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे अगर जन्नत हुई तो और तुम भी अगर आ गए ना जन्नत में तो जन्नत में भी तुम हमसे नीचे ही रहोगे कैटेगरी में जन्नत में मिलना हमें आला दर्जे की फिर वहाँ से सोने चांदी जो हमारे पास होंगी उसमें से तुम्हारा हिसाब बराबर कर देंगे अगर वी ओ यू सम मनी इस तरह की वो ठट्टेबाज़ियाँ करते थे मजाक उड़ाते थे आपको पता है उनका क्या हाल हुआ क़ुरान भी वाजें आदिशुमार का भी वाजें तो अल्लाह ताला ने हमें आज़माइ के लिए नहीं पैदा किया कि ये बात याद रखें हमें इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत ऐसी है जैसा कि इम्तहान कैसे इम्तहान कैसे इबादत क्योंकि साथ नफ्स लगावे नफ़्स लड़ना है और जो नफ्स से लड़ गया वो मुत्तकी हो गया परहिजगार हो गया और उन्हीं के लिए जन्नत है इसलिए अल्लाह तन्नत को विरासत से भी तमीर किया अदीना यरीसूनफरदोस वो जो फिरदौस को हासिल करेंगे क्यों हासिल करेंगे क्योंकि वो है ही बनाई हमारे लिए गई है अल्लाह ने हर शख्स के लिए फिरदौस में ठिकाना ठिकाना रखा है जन्नत में अब वो हम पर है कि हम मेहनत करके उस ठिकाने को पा लेते हैं या फिर मेहनत नहीं करके उस ठिकाने को खो देते हैं इट ऑल डिपेंड्स अस तो अल्लाह ताला ने तो हमें किस लिए बनाया था इबादत के लिए बनाया था। और हमें एक इबादत के लिए एक इन्वायरमेंट भी दी और उस अनवामेंट में सस्टेन करने के लिए क्या कहा कि जब मेरे पास से हिदायत आएगी फैमा या तन्ना को मन्नी होदा फमन तब्या होदा या फ़ला खौफ़न आलू तो वो जो उस आई की इतबा करेंगे जो मेरी तरफ़ से हिदायत आई उसकी इतबा करेंगे उनके लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं है और अब इतबा का जो मामला है जो हम मांगते हैं ना एहदीन सरात अमस्कीम सरातल नाम तो आलमूब आल्न तो सीधा रास्ते का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई ट्रबल्स नहीं है कोई वरीज नहीं है कोई आजमाइशें नहीं हैं कोई इम्तहाना नहीं है नहीं वो सीधे रास्ते का मतलब है ये रास्ता जाता सही डेस्टिनेशन की तरफ है अब आप कभी जाओ ये अपना नथिया गली घोड़ा गली जाओ ये कभी इधर ये अपने नारान का खान जाओ ये गिलगित चित्राल जाओ ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपके यहाँ इंडिया में भी ऐसे इलाक़े होंगे कश्मीर के नॉर्दन एरियाज़ होंगे लद्दाख वग़ैरह के इलाके होंगे और मुख्तलफ़ और जगह होंगी जहाँ पर रास्ते तो हैं पर सीधे नहीं हैं रास्ते तो हैं पर सीधे नहीं हैं संभल के चलना है नहीं सँभल के चलोगे तो खाई है खाई में नहीं गिरना तो एहतियात करनी है। अब आप कहोगे यार ये कैसा रास्ता बना के दे दिया कहते हैं जाता तो डेस्टिनेशन को है लेकिन रास्ता बड़ा अजीब है वही हाल है दुनिया का वही हाल है जिंदगी का कि रास्ता तो है लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल सही होगा सीधा होगा कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी ऐसा नहीं होता आजमाइशें आती हैं अल्लाह से लेकिन हमने मांगते रहना है कि अल्लाह आफो आफियत फरमा कभी अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो हर हाल में अपने रब से मांगते रहना है उसकी शुक्रगुजारी भी करनी है गुनाहों से मगफ़िरत इस्तार भी करना है ये हमारे बंदे हैं ना ग़ुलाम हैं ग़ुलाम की चाह नहीं होती कोई जो आका दे दे वो ले लेता है लेकिन अल्लाह ताला का करम है को कहता है मांगो ग़ुलाम हो पर मांगो क्या मांगते हो फिर उसके बाद अगर तुम्हारे लिए वो चीज़ अच्छी हुई तो यहीं दे दूँगा अभी दे दूँगा या फिर बाद में दे दूँगा और अगर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हुई तो कयामत में उसकी जगह तुम्हें अजर सवाब दे दूँगा और फिर लोग कयामत के दिन ये ये एक उनके अंदर की अल्तजा होगी कि काश हमारी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई होती क्योंकि जन्नत में जो मिलेगा वो तो दायमी है दुनिया में जो मिलता है वह वक्ती है टेम्प्ररी है वहाँ पर तो परमानेंट है तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि तख्लीक़ का मकसद समझें और समझें कि इंसान क्या है क्यों पैदा किया गया है आजमाइश और सज़ा के लिए नहीं पैदा किया गया इबादत के लिए पैदा किया है लेकिन अगर रास्ते से हटेगा तो अदब भी सिखाया जाएगा और अदब सिखाए जाने के बावजूद अगर राह रास् को इख्तियार नहीं करता और हिदायत के आने के बावजूद हिदायत को कबूल नहीं करता या हिदायत में आने के बाद हिदायत को छोड़ देता है और फिर तायब भी नहीं होता तोबा भी नहीं करता उसी हाल में अपने इम्तहान में फ़ेल हो जाता है तो फिर मामला सख्त है और अगर मेहनत कर लेता है नफ्स को मार लेता है और सही ज़िंदगी गुजार लेता है तो फिर मामला आसान है ठीक है तो अब आप देखें ना अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी उनसे ज़्यादा बरगुजीदा तो कोई हो नहीं सकता वो तो मासूम है ना लेकिन उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें पढ़े इब्राहीम की हयात को पढ़े नूआ सलाम की हयात को पढ़ें आदम की हयात को पढ़ें मूसा पढ़े मूसम ईसी मेरे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम की हयात को मुबारका को पढ़ें उम्मत के लिए इन में बड़ी बड़ी निशानियां हैं बड़ी बड़ी आजमाइशें अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को दी ताकि हमारे लिए मशाला राह हो कि वो इतने बरगुजीदा हस्तियां जो मासूम हैं उनको अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे अदवार से गुजारा तो हम क्या शें हैं और उन्होंने हमें यह सबक दिया कि तुमने अल्लाह तला का शुक्र अदा करना है और तुमने सब्र करना है क्योंकि तुम उसके बंदे हो बस ये बात नहीं भूलना कि तुम बंदे किसके हो तुमको ये फ्राउनीत और अनानियत से बचा लेगा तुम्हारे अंदर अजीब व गरीब से ख़्यालत पैदा होते हैं उन सब से तुम्हें बचा लेगा क्यों एक दिन अगर तुमने इस बात को सही मानों में समझ लिया ना कि अन् आब्दुल्ला के मैं अल्लाह का बंदा हूँ या या मैं अल्लाह की बंदी हूँ इसको समझो कहीं नौकरी पकड़ते हो तो एक कार्ड देते थे ना वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पकड़ ली उन्होंने आपको एक एम्प्लॉई कार्ड दे दिया एम्प्लॉई आई दे दिया फ़खर से बताते फिरते हो मैं माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉई हूँ मैं एप्पल में काम करता हूँ मैं गूगल में काम करता हूँ मैं अमेजोन में डायरेक्टर लगा हुआ हूँ मैं औरकल में काम करता हूँ कहते हो ना बड़े फ़खर से कहते हो बड़ी बड़ी मल्टी मल्टाइनेशनल कंपनीज का नाम लेते हो क्यों उनसे नस्बत जोड़ते हो उनसे नस्बत जोड़ते हो और कोशिश करते हो नस्बत बंदी रहे यहाँ तो सबसे बड़ी नस्बत में बंधे हो अब्दुल्ल हो गए हो अमतुल्लह हो गए हो ला लाला ला मोहम्मद रसूल्ला पढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मीती बन गए हो तो अब इस नस्बत को निभाना है नहीं निभाएंगे तो मामला ख़राब है निभाएंगे तो मामला ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बीस मिनट के करीब मैंने वक्त ले लिया लेकिन क्योंकि सवाल इतना अहम था इसको एड्रेस इसीलिए किया मैंने असल वरहमल वबरक Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayasat Saad Qadri.